रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा है कि अगर हुकूमत नवाज शरीफ के बैरून मुल्क क्याम की मुद्दत में तौसी नहीं करती तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। उन्होंने बात जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कही। जो हमारे पास इतला है वो यही है कि अभी ये नवाज शरीफ साहब का जो प्रोसीजर चल रहा था उसमें जो अभी ट्रीटमेंट का जो दिन था उसके बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ और वो किस दिन फाइनल वो प्रोसेस करेंगे उसके बारे में अभी जो डॉक्टर्स हैं अभी वो इनडिसाइसिव हैं और अभी कोई डेट भी नहीं आई। मीनवाइल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जी हम इन रिपोर्ट्स को नहीं कंसिडर करते और उनका जो बोर्ड है उसने भी उस चीज़ को तस्लीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनसफिशेंट है ये और अब वो वफाकी गवर्नमेंट के पास गई है तो ऑब्वियसली ये सुप्रीम हाई कोर्ट का एक फैसला था जिसके बीच में उन्होंने एक तरीकाकार जो था वो वज़ा कर दिया था कि उस तरीकाकार के मुताबिक जो है बेल उसमें एक्सटेंशन होती रहेगी और उसमें हुकूमत पंजाब का एक उसमें एक रोल था तो उसके मुताबिक तो अब अगर इस तरफ हालात चलते हैं और हुकूमत डिसएग्री करती है तो फिर ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान वापसी का इरादा कर लेंगे। अच्छा जी हाँ, तो अगर वो इस वक्त पाकिस्तान आते हैं तो शहबाज शरीफ साहब भी जाहिर है उनके साथ आ जाएंगे।